हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में जो सीपीसीटी स्कोर कार्ड से रिलेटेड आपका जो कंफ्यूजन है, यानी सर किस डेट के सीपीसीटी स्कोर कार्ड की जो वैलिडिटी है वो इंक्रीज हुई है, यानी काफी स्टूडेंट का 2019 का स्कोर कार्ड है, काफी का 2020 का स्कोर कार्ड है, या फिर काफी स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं सर फ्यूचर में होने वाले एग्जाम का जो स्कोर कार्ड है उसकी वैलिडिटी इंक्रीज हुई है। तो ये बहुत सारे आपके मन में जितने भी डाउट हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो रही, वो सारे डाउट आज के इस लेक्चर में, अगर आपका सीपीसीटी स्कोर कार्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आज के इस लेक्चर में आपका क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 23 मार्च को एक नोटिस जारी हुआ था मध्य प्रदेश शासन विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से। क्या नोटिस था, इसकी कॉपी किसको दी गई थी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस पहले तो हम इसका विषय समझ लेते हैं कि आखिर विषय क्या था। तो विषय से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस विषय से रिलेटेड था। तो विषय था कि शासन, यानी शासन कोई भी, जैसे आपको पता है कि जब ये स्टेटमेंट आया था इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना चुके हैं कि आपका जो सीपीसीटी स्कोर कार्ड था पहले, यानी 2021 से पहले, वो आपके सीपीसीटी यानी मध्य प्रदेश में जितने भी डिपार्टमेंट थे उनके लिए वैलिड कहीं ना कहीं होता था। लेकिन जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मंत्री थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अब जो बाकी स्टेट भी हैं इंडिया में उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं एलिजिबल होगा। तो ये शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालय के विभिन्न पद पर संविदा एंड नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर के क्षेत्र में दक्षता प्रमाणीकरण हेतु कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा यानी सीपीसीटी, या फिर बोले कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट ओके स्कोर कार्ड या फिर प्रमाण पत्र की वैधता अवधि में वृद्धि के संबंध में ये हमारा नोटिस जारी हुआ था 23 मार्च को। अब इसमें 3 पॉइंट लिखे हुए, तीनों से क्लियर हो जाएगा कि ये किस डेट से आपका जो स्कोर कार्ड की वैलिडिटी है वो इंक्रीज होगी। इसके रेफरेंस भी समझ लेते हैं। तो विभाग का परिपत्र क्रमांक F14-16/2000/56 दिनांक 20 अक्टूबर 2014 एंड संख्यक परीक्षा 20 जून 2019 यानी दोनों के संबंध में, यानी पहले नोटिस आया था आपका 2014 में और यहाँ पर सीपीसीटी स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 2 ईयर्स रखी थी, फिर संशोधन करके उसका 2019 यानी 20 जून को नोटिस निकाला गया है, सीपीसीटी स्कोर कार्ड की जो वैलिडिटी है 2 ईयर से इंक्रीज करके 4 ईयर कर दी गई। अब नया नोटिस आया है उसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में चेकआउट कर लेते हैं। चलिए तो पहला हम समझते हैं यहाँ से, अगर हम इसके देखो पहले थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, पहले पॉइंट को पढ़ते हैं जहाँ पे 2 ईयर्स डिफाइन हुई थी सीपीसीटी स्कोर कार्ड की वैलिडिटी। तो जैसा कि 20 अक्टूबर 2014 में शासन राज्य के विभिन्न विभागों कार्यालय में विभिन्न पदों पर संविदा एंड नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी या फिर कंप्यूटर के क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जिसको हम सीपीसीटी के नाम से जानते हैं की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए कंप्यूटर यानी सीपीसीटी की जो स्कोर कार्ड है स्कोर कार्ड की जो अवधि है 2 साल निर्धारित की गई थी 2014 में। ये तो पहले हुआ था जब वो सीपीसीटी स्टार्ट हुआ था। सेकेंड पॉइंट में आपको और क्लियर हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट में क्या हुआ था, तत्पश्चात विभाग के संबंध यानी ये रेफरेंस लिया गया और दिनांक कौन सी थी आपकी 20 जून 2019 द्वारा सीपीसीटी के प्रमाण पत्र यानी स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 2 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष निर्धारित की गई, कब 2019 में। अब मेन पॉइंट जो आपका कंफ्यूजन कर रहा है उसकी तरफ चलते हैं, उसमें लिखा है थर्ड पॉइंट ये नोटिस मुझे स्टूडेंट ने आपको मिल जाएगा सीपीसीटी के वेबसाइट पर, वहां से आप इसको डाउनलोड करते हैं, नहीं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप और इसको डिटेल में रीड कर लेना। चलिए तो थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट है राज्य शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक F14-7/2016/41-2 दिनांक 20 जून 2019 को निरस्त करते हुए, यानी जो 2019 में जो स्कोर कार्ड की वैलिडिटी थी वो 4 साल कर दी गई, उसको निरस्त करते हुए पूर्व में जारी समस्त, ध्यान से सुनना, यानी पूर्व में जितने भी जारी हुए थे सारे के सारे
कंप्यूटर सीपीसीटी के स्कोर कार्ड की वैलिडिटी अवधि प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 7 साल 7 वर्ष निर्धारित की जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जब से जिस दिनांक से आपका स्कोर कार्ड आपका इशू हुआ है उसी डेट से आपका जो स्कोर कार्ड की वैलिडिटी रहेगी वो 7 साल तक रहेगी। यानी कहने का मतलब है कि आने वाले सारे एग्जाम के जो नए एग्जाम होंगे, नए स्टूडेंट जो स्कोर कार्ड एक्वायर करेंगे उनके लिए तो ये स्कोर कार्ड की वैलिडिटी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ में जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्या है वो 2016 में किया हो, 17 में किया हो, 19 में किया हो, 2020 में किया हो, उनके सारे के सारे स्कोर कार्ड 7 साल तक वैलिड रहेंगे। तो आप अपने स्कोर कार्ड की वैलिडिटी से लेकर जहाँ पे वो जो इशू हुआ था उस डेट से काउंट कर लेना और आपका जो स्कोर कार्ड है वो 7 साल तक रहेगा। यानी 2019 में जिसने एग्जाम दिया है उसके स्कोर कार्ड की वैलिडिटी है वो कहीं ना कहीं अब रहेगी, वो एक्सपायर नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है आपके लिए, एक सुनहरा मौका है। यानी गवर्नमेंट आपको एक मौका देना चाहती है कहीं ना कहीं, क्योंकि काफी स्टूडेंट थे जिनका स्कोर कार्ड एक्सपायर हो रहा था तो उसको वो कहीं ना कहीं फिर से एग्जाम दे रहे थे तो काफी टेंशन, यानी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। उस प्रॉब्लम की वजह उन प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट किया है गवर्नमेंट ने, तो उनके स्कोर कार्ड की वैलिडिटी है वो 7 साल कर दी। तो मैं फिर से बता रहा हूँ जिन स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था, यानी आपका जो स्कोर कार्ड इशू हुआ था उस डेट से आप काउंट कर लेना और वहां से 7 साल जब तक हो रही है वहां तक आपका स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। तो जिनका आपका कहीं ना कहीं एक्सपायर हो रहा था उनको अब नए एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। और भी आप वैसे तैयारी करते हैं 100%, क्योंकि नोटिस में लिखा है तो सारी चीजें कंफर्म है, फिर भी आप तैयारी करते रहना इन केस अगर कुछ होता है, कोई भी अपडेट होता है तो वो आपको सारा वेबसाइट जो हमारी है उस पर मिल जाएगा, या फिर हमारी जो चैनल है उस पर आप डे बाई डे अपडेट करते रहना, इसको सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इस वीडियो को शेयर करना। क्योंकि जब से नोटिस आया ना तभी से मेरे पास स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे, सर स्कोर कार्ड की वैलिडिटी है कहीं ना कहीं 7 साल कर दी है, ये वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके थे लेकिन वहां पे ओनली स्टेटमेंट था, वहां पे बिल्कुल क्लियर नहीं था कि जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके स्कोर कार्ड की वैलिडिटी है वो इंक्रीज होगी या फिर आने वाले जो नए सीपीसीटी के कंडक्ट स्टूडेंट होंगे उनके स्कोर कार्ड की वैलिडिटी होगी। तो इस नोटिस में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो प्रीवियस स्टूडेंट है, जो ओल्ड स्टूडेंट है जिन्होंने सीपीसीटी स्कोर कार्ड ले लिया है और वो अपनी डेट से काउंट कर लेना, वहां से वो 7 साल तक वैलिड रहेगा। तो आई थिंक अब आपको सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर हमें समझ में नहीं आया तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करना। अदरवाइज आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी सारी लिंक्स हैं, वहां से भी आप अपना डाउट इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पे सीपीसीटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोडेड हैं तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर उनका पीडीएफ चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम की लिंक दे दी है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर सारे वीडियोस लेक्चर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड करके रिवीजन भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आई थिंक इसी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि ये नोटिस आ गया था और स्टूडेंट के बीच में कंफ्यूजन था। तो मुझे स्टूडेंट सर आप बताइए, अब बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनको डाउट हो रहा था तो मैंने सोचा उन्हें इंडिविजुअल बताने से अच्छा मैं इसका वीडियो ही बना देता हूँ, क्योंकि काफी इसे ऑलरेडी बना चुके थे इसीलिए हमने इसको 23 तारीख को नहीं बनाया था क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं था, अब स्टूडेंट का कन्फ्यूजन था इसीलिए हमने इसको आज नया कर। हाँ, जो मैंने हमने नई सीरीज स्टार्ट की थी आप उसको कंटिन्यू रखना। ऐसा नहीं है कि आपका सीपीसीटी एग्जाम आपका स्कोर कार्ड आपके लिए आगे उसकी डेट कहीं ना कहीं रिन्यू कर दी गई है तो उसका आपको बेनिफिट तो रहेगा, लेकिन जहाँ पे आप उस स्कोर कार्ड को लगाओगे वो उस एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके लिए कंप्यूटर जरूर पूछा जाएगा। तो जो क्लासेस चल रही हैं वो आपके सीपीसीटी एग्जाम के लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ ही साथ में जितनी भी एग्जाम्स हैं होती हैं चाहे वो आपका पटवारी एग्जाम्स हो, MPASI हो, SI स्टैन हो, इन सारे एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इस वीडियो को शेयर करना, अगर आपको लगता है ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कहीं पर डाउट आए तो कमेंट कर देना, और अगर जितने भी लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, वहां से भी आप हमें सीधा फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो नए लेक्चर मिलेंगे नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे। ओके।